आज भैया जहाँ पे भी है ना, इस बाइक ने उन्हें वहाँ तक पहुँचाया है। ये बिल्कुल साफ हो गई। KTM को मॉडिफाई कराने के लिए आप लोग को पता है, तो KTM मॉडिफाई होगी तो उसकी पूरी रैप चेंज हो जाएगी। हम लोग अंकल आंटी के साथ KTM पे एक राइड करते हैं। आज सारी टेपिंग वगैरह निकल गई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है वापस से भैया के घर से, और अभी पूरा चल रहा है काम, किचन में पत्थर लग रहा है। आंटी बना रही है खाना, आंटी से मिलाते हैं आपको। और गाइज यहाँ पे किचन का काम चल रहा है, यहाँ पे स्लैब लग चुका है, टाइल्स वगैरह भी लगनी है यहाँ पे पूरी। और आंटी आप क्या कर रहे हो? कल मेरे को ना छोले खाने का मन था, तो मैंने आंटी को आंटी छोले पूरी बनाना, छोले बन चुके हैं। क्योंकि मेरे को ना वो सूप सूप वाले नहीं चाहिए होते, ग्रेवी वाले चाहिए होते हैं। तेरे मैंने सूखे बना दिए, मेरे लिए सूखे बन चुके हैं अब तो, मस्त आराम से। आंटी बोलते ना खाना नहीं खाती, आज देखो आप खाना, आज देखो ये पूरा जितना गंदा हुआ ना सब खाएगी आज, आटा ही खाएगी आज, रोटी पराठा तो नहीं खानी आज। ये अगले 4 महीने आटा है मेरे लिए। बाकी अभी हम लोग को जाना है रुहिला भैया के पास, आपको पता है KTM हमें अच्छी बनानी है वापस से, तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली भव्या का सेटअप हो रहा है रेडी, भव्या करेगी आज मोटो व्लॉगिंग, जो कि आप सब बहुत पसंद करते हो। बाबू भैया तो है नहीं, तो अब बाबू भैया के जैसा तो नहीं कर सकते, बट ट्राई कर रही हूँ जितना हो सकता है, जितना भैया से सीखा है ना, भैया ने 5-6 सालों में सिखाया है। इसका भी कुछ टूट गया था तो भव्या ने भी वो जोड़ा है, अपनी भव्या ने बहुत सारी टूटी चीजों को जोड़ा है लाइफ में। चलो बाकी अंकल आंटी से मिलाते हैं, बाय बाय बोलते हैं फिर निकलते हैं। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और दुष्यंत भी हो चुका है रेडी, बस अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अंकल आंटी गए थे मंदिर के लिए टाइल्स लेने, तो वो टाइल्स देख कर आए हैं क्योंकि घर पे काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही है। बाकी अभी मिलाते हैं आपको अंकल आंटी से, और आज हम लोग जाने वाले हैं KTM को मॉडिफाई कराने के लिए, आप लोग को पता है, क्योंकि हम लोग को अंकल के साथ एक राइड प्लान कर रहे हैं। अंकल KTM चलाने वाले हैं, हम लोग दूसरी बाइक से जाएंगे। जाने वाले हैं आज आरती को लेके, आप लोग को पता है पूरी ये मॉडिफाई होगी, ये टेपिंग बहुत पुरानी हो चुकी पूरी निकलेगी। आज हम लोग प्रेमनगर रोहिला भैया के पास ही जाते हैं क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग सारी गाड़ियां वहीं से मॉडिफाई कराते हैं, तो इसे लेके जाना है। एक दिन में तो नहीं होगी, 2 दिन तो लगेंगे इसको सही होने में, बाकी लेकर जाते हैं पूरा नई बना के लेकर आते हैं। जब तक भैया आएंगे ना, भैया को ये पूरी नई मिलेगी, पूरा सरप्राइज देंगे भैया को, देखो आपकी सारी बाइक्स मस्त हो चुकी है। बाकी चलते हैं, मैं और दुष्यंत जा रहे हैं आज बाइक लेके, और मिलते हैं आपको फिर अभी मोटो ब्लॉग पे। बाय बाय, बाय बाय, टाटा बाय आंटी, नमस्ते, मिलते हैं। हाँ जी गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से, आप लोग को आज देखने के लिए मिल रहा हूँ। बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि आज RC पे मोटो व्लॉग मिल रहा है, कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे बाबू भैया RC पे व्लॉग। बाबू भैया तो नहीं है यहाँ पे, भैया तो बिग बॉस में है, बट हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग अंकल आंटी के साथ KTM पे एक राइड करते हैं, और उससे पहले हम लोग KTM को पूरा अच्छा नया बना देते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं रोहिला भैया के पास KTM मॉडिफाई कराने के लिए, पूरी अच्छी बना देंगे कि सर्विस भी कराने के, इतना अच्छा सा लग रहा है ना, लेकिन RC चला के इतने टाइम बाद चला रहे हैं हम लोग बाइक। बहुत लोग, मुझे पता है बहुत लोग मिस कर रहे थे इस फ्रेम को, जो लोग भैया से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन लोग को पता है कि शुरू से भैया RC पे ब्लॉग्स बनाते थे। जब मैं और भैया भी मिले थे ना, तो हम लोग इसी पे मिले थे, मैं बुलेट पे आई थी और भैया RC चलाते थे उस समय। धीरे धीरे करके RC के बाद Z900 आ गई, फिर Z900 के बाद 10R आ गई, फिर 10R के बाद और बाइक्स आ गई, बट अब भी हम लोग अंकल RC चलाने वाले हैं। आप लोग को पता है एक वीडियो भी वायरल हुई थी अंकल और भैया की, अंकल RC चला रहे थे और भैया पीछे बैठे थे। बाकी अब इस वाली वीडियो को भी प्यार देखना, अभी हम लोग आराम से जाएंगे RC से, क्योंकि RC का टायर भी चेंज कराना है हम लोगों को। मैं और भैया हमेशा साथ में ट्रेवल करते थे पहले बाइक पे, मैं बुलेट पे होती थी, भैया RC पे होते थे। हम लोगों ने इतनी सारी स्टेट्स भी कवर करी, हमने उत्तराखंड तो घूमा ही है, उत्तराखंड के अलावा हम लोगों ने राजस्थान किया था, हम लोगों ने अमृतसर गए थे, हम लोग जब भैया के पास RC थी तो हम लोग अमृतसर गए थे, जब भैया करतारपुर साहिब गए थे, इतना घूमा है ना हम लोगों ने RC से। लोग RC लेके जा ही रहे हैं, पूरा नया बना के लेकर आते हैं, सर्विस वगैरह कराते हैं इसकी। एक तो RC से अलग ही मोहब्बत है, मतलब भैया ना को बाइक्स और कार से वैसे ही बहुत प्यार है, बट RC से अलग ही मोहब्बत है, क्योंकि RC बाइक ने ना पूरा अंपायर खड़ा किया है, यहीं से भैया ने शुरू किया था, और आज भैया जहाँ पे भी है ना, इस बाइक ने उन्हें वहाँ तक पहुँचाया है, हर जगह पूरा साथ दिया है, इतनी राइड्स पे गए, इतनी जगह हम लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत प्यार है यार इस बाइक से सबको। मुझे पता है भरोसे ना कि जितने भी लोग हैं, तब भैया का सारा कलेक्शन बहुत पसंद है, सारी बाइक्स कार पसंद है, KTM से ना अलग ही मोहब्बत है यार। बाकी चलते हैं अभी रोहिला भैया के यहाँ, 1 घंटा लग जाएगा हम लोग को शायद पहुँचने के लिए, मिलाते हैं और रोहिला भैया से आपको। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रिस्पना, और दुष्यंत चला रहा है अभी बाइक।
हम लोग चल रहे हैं, अब दुष्यंत पीछे बैठेगा, मैं चला रही हूँ बाइक। चलो ये बैठते है ना, बाइक पूरी नीचे हो जाती है। हम लोग पहुँच गए हैं रोहिला भैया की शॉप पर, करते हैं बाइक खड़ी, दिखाते हैं भैया को। हम लोग पहुँच गए थे भैया की शॉप पे। ये वाली बाइक याद है आपको? ये भैया की सबसे पहले वाली बाइक है ना, सबसे पहले ये हमने इस वाली शॉप पे मॉडिफाई की थी ना, जब आप पहली बार आए थे। ये कितने साल बाद आ रही होगी भैया आपके पास? 4-5 साल बाद, 2018 में आई थी, 5 साल हो चुके हैं इस बाइक को। अब ये भैया पूरी नई कर देंगे, बाकी मिलते हैं आपको। अभी भैया इसकी पूरी टेपिंग जो ये वाली थी ये पूरी निकाल रहे हैं। ये पूरी भैया से बात हो रही है उधर? हाँ भैया, फोन लेके जा रखे ना भैया। नहीं वैसे बात होती है भैया? हाँ भैया, नहीं तो बोला भैया, नहीं बोल रहा जाके तैयार करा रोहिला भैया से। हमारे पास तो नंबर भी नहीं था, नंबर ही भैया से लिया आपका। बस हम लोग उन्हें टीवी पे देख सकते हैं। 4 महीने के लिए कैद, 4 महीने के लिए कैद। बाकी अभी भैया कर रहे हैं, भैया इसकी पूरी टेपिंग निकाल रहे हैं पुरानी वाली, क्योंकि अभी ये नई बनेगी। आपको दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स। देख रहे हो आप बिग बॉस? हाँ। सपोर्ट कर रहे हो बाबू भैया को? सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहो ना। गाइस भैया ने पूरी टेपिंग उतार दी है, पूरी व्हाइट हो गई है। अभी देखो हर जगह से इसकी टेपिंग उतर चुकी है। अब डिजाइन फाइनल करते हैं, कैसे हम लोग इसे बनाने वाले हैं, आपको दिखाते हैं जैसे इस पे काम स्टार्ट होता है। गाइस आज से जा रही है अभी वॉश के लिए। इस पे ना ये वाले क्लीन होने हैं, पूरी ये पूरी क्लीन होगी। तो दुष्यंत लेकर जा रहा है भाई, ये वॉश करा कर लेकर आ रहा है, फिर इस पे स्टार्ट होगा काम। गाइस दुष्यंत आ चुका है बाइक वॉश करवा के, देखो पूरी नई जैसी हो चुकी है। बस अब इस पे काम शुरू करते हैं, डिजाइन वगैरह फाइनल कर रहे हैं। इस डिजाइन वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया, कैसे कैसे करके बनानी है। लेट हो चुका है, अभी मुझे मेरे घर पे पूजा भी है तो मुझे घर जाना है, इसलिए कल लेकर आएंगे वापस से। अभी दुष्यंत लेकर जा रहा है केटीएम भैया की, मैं घर जा रही हूँ। कल हम लोग इसमें पूरा काम कराएंगे, कल स्टार्ट हो जाएगी मेनली। आज सारी टेपिंग वगैरह निकल गई, ये बिल्कुल साफ हो गई, कल करेंगे अच्छे से। बहुत मस्त बनने वाली है, लेकिन ये सबसे बेस्ट लगेगी ये अभी तक। बाकी मिलते हैं आपको अभी घर जाके। गाइस हम लोग निकल चुके हैं रोहिला भैया के घर से। रोहिला भैया के घर पे हमने बाइक पार्क कर दी। दुष्यंत अभी पहले मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहा है। हम लोग रोहिला भैया की गाड़ी ले ली थी। रोहिला भैया की गाड़ी मुझे लगता है कि हम लोग ही चलाते हैं। पहले जब अन्नू भैया और मैं आते थे तो हम लेके जाते थे, आज हम लोग लेकर आ गए। बाकी अभी दुष्यंत मुझे घर छोड़ने जा रहा है। आज अंकल भी जा चुके हैं अपने कॉलेज, तो वो भी देखते हैं कल परसों में कब आते हैं। घर जाके मिलते हैं आपको। सो गाइस मैं पहुंच चुकी थी घर, दुष्यंत चला गया है वापस प्रेमनगर। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, खाना वगैरह खा लिया। बस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कल वापस हमें प्रेमनगर जाना है केटीएम मॉडिफाई कराने, तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, पुई।